डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना इंस्टीट्यूट साइंस स्किल में। तो आज हम लेकर आए हैं आपका 12th क्लास का वेरी इंपोर्टेंट क्लास। क्लास 12th के लिए सबसे आज का क्लास है वो सबसे इंपोर्टेंट है साथियों। क्लास 12th के लिए ये सबसे इंपोर्टेंट क्लास जो क्लास चलने वाला है मैथ्स का, ठीक है। और आज तक की जितना भी आप वीडियोस देखे हैं उससे कहीं ना कहीं ये ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियोज होगा मैथ्स क्लास के लिए, क्लास 12th के लिए। तो जरा इसको अच्छे से सुनिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। आज हम लोग चूंकि पिछले क्लास में, पिछले वाले चैप्टर में 5.8 तक के पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग कर लिए थे, तो कुल मिलाकर हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी जो चैप्टर में था 8 एक्सरसाइज, आप सोचिए 5.8 एक्सरसाइज। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में अगर इसको ऑनलाइन स्टडी से नहीं जोड़ते तो क्या 5.8 खत्म हो पाता आज? नहीं खत्म हो पाता। तो और हां, बिल्कुल याद होगा आपको कि जब हम लोग की लॉकडाउन से पहले तक की अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात करें तो वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे कौन से एक्सरसाइज, तो जी हाँ, स्टार्ट हो रहा था 5.1, आप समझो 8 एक्सरसाइज। ध्यान से सुनो, इतना हार्ड वर्क करते हुए, इतना हार्ड क्वेश्चंस को करते हुए जिसका नाम था डिफरेंशिएशन, ठीक है, और पूरा का नाम था कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी। भाई कंटिन्यूटी का मतलब क्या? कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, वो तो शुरू का एक्सरसाइज में है, वो खत्म हुआ, बाकी सब तो हम लोग डिफरेंशिएशन बकते रहे ना, डिफरेंशिएशन पढ़ते रहे ना। तो कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी चैप्टर हो गया खत्म 5.8 तक के कंप्लीट, पांचवा चैप्टर ऑलरेडी खत्म। अब जरा आज हम लोग सबसे इंपोर्टेंट क्लास में ये नजर से देखने वाले हैं अपने सिलेबस मैथ्स को कि अभी हम लोगों को किस तरीके से काम करना पड़ेगा, हम लोगों को कैसे मेहनत करना पड़ेगा कि वो जो लॉकडाउन में 30 दिन हम लोगों ने खोया है गिन के, उस 30 दिन को हम लोग बदलेंगे 60 दिन में। यानी कि जो हम लोग 30 दिन में काम करते प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम उसको 60 दिन में बदलेंगे। ऐसा मानना है कि मेरा वो 30 दिन नहीं छूटा है, 60 दिन छूटा है, और उस 60 दिन का मैरिज हम करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा इन बातों का, क्योंकि आपका फ्यूचर के साथ मेरा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अगर आपका फ्यूचर गड़बड़ाएगा तो आपसे कहीं ज्यादा मेरे को दुख होगा कि मेरे वजह से जितने भी स्टूडेंट थे उनका फ्यूचर गड़बड़ाया है, इसलिए ज्यादा अहम है आप लोग, उससे ज्यादा हम अपने ऊपर ज्यादा तरस आ रहा है इस बात का कि आपका फ्यूचर सही होना चाहिए, ठीक है। और आपका फ्यूचर, आपका एग्जाम्स अच्छे से तभी हो पाएगा जब यहां से हम आपको अच्छी चीज देंगे, अच्छी कंप्लीट करेंगे, सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हैं बातों को? तो हम यहां पे आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी हम लोगों को कितना टाइम बच रहा है और उतने ही टाइम में हम लोगों को मैथ्स किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। हालांकि आने वाले सभी सब्जेक्ट के लिए हम बात करते रहेंगे, आपको कहीं से कुछ कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको हम पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं, पूरा पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितने भी जिस एरिया से आप स्टडी कर रहे होंगे उस एरिया का ओनली इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जहां पे टाइम से पहले सभी सिलेबस कंप्लीट कर दी जाएगी। और जब भी लॉकडाउन के बाद अगर हम लोग मिलेंगे तो डायरेक्टली रिविजन स्टार्ट होगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और आप जानते हैं कि रिविजन प्रैक्टिस ही एक मैन को परफेक्ट बनाता है, एक मैन को परफेक्ट बनाता है, अंदर से ठोस बनाता है, अंदर से कार्यशील बनाता है। तो हम लोगों को रिविजन बहुत जरूरी है और रिविजन हम लोगों को बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ चीज है ना एब्सोल्युटली भूल जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, इसलिए हम लोग को जो चीज पढ़ा रहेगा पीछे उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो कब रिवाइज करेंगे भाई? जब हम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वही चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों को जो मैथ्स का सिलेबस है, ऐसे ही चीजें आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम फिजिक्स में भी बात करेंगे, हम केमिस्ट्री में भी बात करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं
कहीं उनका फ्यूचर गड़बड़ाए नहीं, इसको लेकर हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और आप जैसा सोच रहे हैं उससे ज्यादा हमें बुरा लग रहा है इस लॉकडाउन को लेकर, लेकिन क्या करें, वजह ही कुछ ऐसा है कि हम लोगों को मजबूरन ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट को लेकर हम हमेशा से टॉपिक पे जरूर बात करते हैं, एक बार जरूर बैठ के आपके साथ डिस्कस करते हैं कि भाई तेरे तुम देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, कितने कितने टाइम में क्या क्या करना है, सब चीज प्लान के साथ। और हम लोग जब प्लान के साथ हर एक चीज करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग सफल होंगे। और प्यारे साथियों, हम लोग 3 सालों से लगातार एक अच्छे रिजल्ट्स लाकर और हम लोग उस तरीके से प्लान पे चलते चलते और हासिल भी किया है उस तरह से रिजल्ट। तो ये इतिहास गवाह है कि हम लोग जिस तरह से प्लान बनाकर और चीजों को कंप्लीट करते हैं उसका अच्छा खासा हम लोगों को फायदा भी होता है, हमें बहुत अच्छा खासा उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम हरेक मोड़ पे हरेक कदम कदम पे प्लान बनाएंगे कि कैसे पढ़ना है। अगर अगले टॉपिक्स है, अगला चैप्टर है, कोई चैप्टर समाप्त हुआ, फिर हम उस मोड़ पे आपके साथ बैठ के बात करने वाले, आपके साथ टाइम देकर कुछ बातें करने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा इस भाषण किस लिए, ये लेक्चर किस लिए, ये स्पीच किस लिए, इतना देर में आप पढ़ा देता कुछ हो जाता। भाई पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाई कभी छूटेगा नहीं, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को ये लगता है क्यों ना प्यारे साथियों को, प्यारे बच्चों को ये बता दिया जाए कि हम लोग किस स्तर पे हैं और आने वाले टाइम में हमें क्या करने का जरूरत है, कितना चैप्टर बचा हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है, किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को लास्ट में पढ़ना चाहिए, कब रिवीजन होगा, कब तक खत्म होगा, कब कैसे प्लान करें। ठीक है, तो आज इसीलिए ये इंपोर्टेंट क्लास है कि चलिए हम लोग मैथ्स के जरा सेक्शन को देखते हैं कि किस सेक्शन को पढ़ने से हमें कितना फायदा मिलेगा और हम अब क्या शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अभी पिछले जस्ट हम लोग 5 एक्सरसाइज को कंप्लीट किए हैं। चलिए बात करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स में 2 बुक्स है एनसीईआरटी का, और हम लोग चूंकि एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हैं, दैट इज अ वेरी 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 मस्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छे, बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट बुक्स है। इसका रिस्पेक्ट में आप कोई भी प्रकाशन पढ़ लो, दैट इज नो सैटिस्फैक्शन, उसमें तो सवाल भरी पड़ी हैं, आप बैठ जाओगे माथा पेची हो जाएगा। इसमें लिमिटेड सवाल होती है, लिमिटेड सवाल होती है, टू दी पॉइंट सवाल होती है, क्वेश्चन में आने वाले सवाल होती है, एग्जाम में आने वाले सवाल होती है। ठीक है, इसीलिए ये बुक दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का। आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये दावे के साथ मैं बोल रहा हूं। और हम लोग जो प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी को चार जाएंगे, यार कहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन लेकिन उसके पहले हम लोगों को ये पूरा बुक्स तो कंप्लीट होना चाहिए भाई, पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगी हम लोग रिविजन नहीं कर पाएंगे, रिविजन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कुछ हो नहीं पाएगा। तो चलिए, फिलहाल मैथ्स में जैसा कि आप जानते हैं 2 बुक है एनसीईआरटी का, पता है ना एनसीईआरटी की कितनी बुक है, 2 बुक, एक बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2। ठीक है, अब जरा बात करते हैं बुक नंबर 1 का और बुक नंबर 2 का। तो बुक नंबर 1 में आपको जैसा पता है हम लोगों का 6 चैप्टर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। ठीक है, और जरा सेकेंड का भी बात कर लेते हैं, जस्ट वेट, क्योंकि यहां पे दोनों किताबों का मिश्रण है, दोनों किताबों को एक ही साथ जोड़ दिया गया है, तो हमारे पास दोनों ही किताबें हैं। तो दूसरा चैप्टर का अगर बात करें, किधर गया, हाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और दूसरे बुक में 7 से लेकर 7, 8, 10, 11, 12, 13, देख पा रहे होंगे 11, 12, 13, 10, 9, 8। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, सिलेबस है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग फर्स्ट वाले बुक में और सेकंड वाले बुक में, तो फर्स्ट वाले बुक में
चैप्टर टू को कंप्लीट किए, चैप्टर तीन को कंप्लीट किए, चैप्टर चार को कंप्लीट किए, चैप्टर पांच को कंप्लीट किए। ये चार टोटल एनसीईआरटी के 13 चैप्टर में चार चैप्टर कंप्लीट हो गए। और आप जिस एरियाज में हो वहां पे पता कर लो, अभी तक के क्लास 12th में इन 13 चैप्टर में कहीं भी पता कर लेना तुम, दो चैप्टर से ज्यादा कोई चैप्टर नहीं पढ़ाई हुआ होगा, इस दावे के साथ। चूंकि हम इतना दावे के साथ ये बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि लोग करते क्या है, क्या कराया जाता है, कैसे लोग करते हैं, लेकिन हम उन सब से अलग हटके करना चाहते हैं, कुछ अलग तरीकों से करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपका जरूर हमें साथ चाहिए। तो आप बिल्कुल हम जैसे बोले आप बिल्कुल क्वेश्चंस को करते रहना, क्योंकि आप गड़बड़ हो जाएंगे तो मेरा किया धरा, जिस हिसाब से हम सोचते हैं, जिस हिसाब से करते हैं, कोई कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए तो ये चार चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब पहला चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को हम लोग छोड़े हुए हैं, इसके पीछे वजह है प्यारे साथियों, इसलिए छोड़े हुए हैं ताकि जब हम लोग को एग्जाम टाइम्स के लास्ट में आएगा तो इन को चीजों को प्रैक्टिस करने की वजह से तुरंत करेंट रहेंगी, करेंट चीजें याद रहेंगी, तो तुरंत आप जाके एग्जाम में लिख सकते हो। चूंकि इसमें ज्यादा ये नहीं है, बस अर्थ इसमें रिवीजन वाला है, यानी कि इसमें ये जो कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर है नहीं, इसलिए हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल पहला बुक में तो 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में 4 कंप्लीट किए हुए हैं, तो अब बच कौन रहा है, 6th चैप्टर। तो प्यारे साथियों अगर हम 6th चैप्टर को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो पहला बुक तो खत्म ना, क्योंकि एक चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, ये मात्र 4 से 5 दिन का सवाल है, एक्सरसाइज है, उतना दिन में आप इसको सीख पा लेंगे, है ना। तो ये जो एनसीईआरटी के बुक्स है फर्स्ट बुक में, इसमें हम लोगों का एक अच्छा टॉपिक्स घट रहा है, वो 6th नंबर चैप्टर। क्योंकि कैलकुलस से आपको पता है ना कि 12th में जो कैलकुलस होता है वो बोर्ड एग्जाम में लगभग 40 से 44 मार्क्स का क्वेश्चन ले आता है, और ये 40 से 44 क्वेश्चंस को लाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सा एक्सरसाइज, तो 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, हालांकि 8वां उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये 5, 6, 7 और 9 ये 4 चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो 44 मार्क्स आ सकता है प्यारे साथियों, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, अब अगली बार से 6वें चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। अगर हम लोग 6वें चैप्टर को खत्म कर लिया, समझो पूरा पहला बुक खत्म। और हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये जो 6th चैप्टर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जरा आपको हम दिखाना चाहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये चैप्टर का नाम है 6th चैप्टर का। अब तो क्लियर हो गया कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग का क्लियर हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अब जो 6th एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6, ठीक है, एनसीईआरटी का 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 का जरा नाम देख लेते हैं फिर से अगेन। जी हां, 6 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग इसके पहले हम लोग क्या सीखे, डिफरेंशिएशन सीखे ना भाई, डिफरेंशिएशन सीखे। और एप्लीकेशन का मतलब होता है कि उसका प्रयोग, उसका उपयोग, ठीक है, कि डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का आप उपयोग कहां करते हैं, जैसे आप मैथ्स में क्लास में स्टैंडर्ड में क्लास 2 में 1 में पढ़ते होंगे ना, एड सबस्ट्रेक्ट मल्टीप्लाई जोड़ घटाओ गुणा भाग सीखते हैं, इसका यूज कहां है, तो यूज जोड़ने में, आप हिसाब किताब रखने में जोड़ घटाओ का यूज है ना, एप्लीकेशन उसमें है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि भाई डिफरेंशिएशन तो आप पढ़ रहे हो लेकिन इसका यूज कहां है, बहुत सारे लोग पूछ देते हैं, अक्सर पूछते थे कि सर 12th में ना डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इसका यूज कहां है, भाई यूज ही तो चैप्टर है,
समझ पा रहे? लोगों को ये लगता है कि हम लोग ट्वेल्थ में जो डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे होते हैं ना, इसका आखिर यूज कहाँ है? तो उसी के लिए, उसी यूज के लिए एक चैप्टर बना दिया गया है जिसका नाम है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव का मतलब डिफ्रेंसिएशन, और उस डिफ्रेंसिएशन का यूज कैसे करना है, यूज कहां किया जाता है, वो चैप्टर सिखाएगा छठवीं चैप्टर। ठीक है, यही छठा चैप्टर सिखाएगा कि आप डिफ्रेंसिएशन का इस्तेमाल कैसे करना है, कहां करना है। समझ रहे चीजों को? इसीलिए इसका नाम पड़ा अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो छठवीं चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब छठवीं चैप्टर जो पढ़ने को मिलेगा उस पर जरा बात करते हैं कि छठवीं चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे जो छठवीं चैप्टर है कहाँ है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। तो छठवीं चैप्टर, हाँ, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गया। तो इसमें टोटल अगर एक्सरसाइज का बात कर लेते हैं तो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, सो सेड 6.5, अच्छा आने दीजिए अभी कितना आता है, 6.5, फिर 6. देखते हैं कितना एक्सरसाइज तक है। हाँ, आपको पता है 6.5 तक का क्वेश्चन है इसमें, 6.5 तक का क्वेश्चन है। और आपको पता होना चाहिए कि 6.5 ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें कौन कौन सा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.4, है ना, एक्सरसाइज 6.5 राइट नाउ, इतनी चीजें हैं। जरा आप बात देखिएगा, और दूसरी बात ना, आप कभी बुक्स पलटिएगा, इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, एक एक एक्सरसाइज में भाई पसीना छुड़ा देंगे। क्वेश्चन कितनी है, क्वेश्चन 20 से 25, 30, 35 क्वेश्चन मिलेंगे लगभग एक एक्सरसाइज में। आप मान लो अगर 20 एक्सरसाइज मिलता है तो 20 पचे कितना, 100 सवाल, 20 पचे 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको टोटल में, लगभग बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हम लोग सिर्फ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को कर लेंगे तो समझ में आएगा? नहीं, उसके पहले हम लोगों को चूंकि थ्योरी भी सीखना है, तो आपको हम कुछ इसमें एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो चैप्टर है वो 15 दिन में खत्म हो जाने का कंप्लीटली दावा है। यानी कि इसको हम लोग कितना दिन में, लगभग 12 से 15 दिन में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। और क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, जरा इस पे हम बात करना चाहते हैं, इसीलिए ये बहुत खास वीडियो है। ठीक है, अब रहा बात कि इतने बड़े चैप्टर को भाई 12 से 15 दिन में आप खत्म कर दोगे, तो जी हाँ बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अब कैसे करूंगा, जरा इस पे आप बात सुनो। होता क्या आ रहा है, अभी यही होता आ रहा है कि चूंकि मेरे पास बर्डन ज्यादा है, और भी कुछ क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट हो रही है, जैसे 10th क्लास आपका हो गया, 12th क्लास, इसके पिछले अगर बात करें तो 9th क्लास जो CBSE के हैं, DAV, बून पब्लिक, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनका भी क्लास चल रहा है। जैसा कि आपको पता है 9th क्लास CBSE वालों के लिए और 10th क्लास बिहार बोर्ड वालों के लिए हिंदी मीडियम में, उनके लिए साइंस और मैथ की क्लास रेगुलर हो रही है आपके साथ साथ। जैसे आपका हो रहा है रेगुलर पढ़ाई ना ऑनलाइन, वैसे ही उनका भी यूट्यूब के माध्यम से उनका भी क्लासेस चल रही है। तो बर्डन चूंकि ज्यादा हो जा रहा है, अब बर्डन ज्यादा हो रहा है, इसके वजह से आपका एक वीडियो जो लगभग कितने, आधे घंटे का, कोई 22 मिनट, कोई 25 मिनट, कोई 35 मिनट, कोई 40 मिनट, ऐसे ही ना वीडियो आता है आपके पास, उतना ही हम लोग टाइम का ड्यूरेशन कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट। समझ पा रहे होंगे? तो एक सब्जेक्ट अगर 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट या 40 मिनट का मान लो अगर हम लोग करते हैं, तो आज हमें ये पता चला है कि तब जाकर ये 12 से 15 दिन में खत्म नहीं होगा, इसको लग जाएंगे 1.5 महीने, 45 दिन। तो इसको लेकर हम एक प्लान जारी किए हैं। क्या प्लान जारी किए हैं कि अभी फिलहाल हम लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री
हमें नजर आ रहा है कि अच्छे पटरी पे है, वो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ज्यादा नुकसान हुआ है हम लोगों को मैथ, मैथ में हम लोगों को क्या करना है, मेंटेन करना है। अभी तक के अगर क्लास में चलते रहते हम लोग, अगर लॉकडाउन नहीं होता, प्यारे साथियों आप सुन रहे हो तो अच्छे से, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा हम लोग सातवां चैप्टर में आधा कंप्लीट कर चुके होते, छठा चैप्टर कब का खत्म हो जाता। सातवां चैप्टर में कुल 11 एक्सरसाइज है, कभी आप पलटो, 7 पॉइंट में 7.11 तक है और 7.4 या 5 तक के अभी तक के हम लोग खत्म कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो उसी के वजह से हम ऐसा डिसाइड किए हैं कि जो हम लोगों का 30 दिन का सिलेबस है बिल्कुल उसको आधा करके 15 दिन में कंप्लीट किया जाए। तब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा तब कैसे, ऊपर ऊपर उड़ा दीजिएगा? तो नहीं, ऊपर ऊपर उड़ाएंगे नहीं। बस एक काम करना होगा, आपको पढ़ने का एक टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा। पढ़ने की जो टाइम, अब हम लोग आधे घंटे की रिकॉर्डिंग होती थी, वीडियो सेटअप होती थी, अब उसको हम लोग टाइम को बढ़ा देंगे। आपको भी घर पे पढ़ाई का जो आवर है, टाइमिंग है, उसको भी आगे बढ़ाना होगा। समझ रहे हैं सेटअप क्या चल रही है? सेटअप यही चल रही है कि अब खास करके मैथ की जो वीडियो होगी लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो होगी। सुन रहे अच्छा से, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को? जी हाँ, एक मैथ्स की जो वीडियोज होंगी वो लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे 1.5 घंटे की होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोगों का मैथ्स का टाइमिंग ड्यूरेशन अगर ज्यादा नहीं हुआ तो फिर हम लोगों का सिलेबस पीछे चलता चला जाएगा। इसलिए अब हम लोग की मैथ की क्लास 30 मिनट या 25 मिनट या 35 मिनट 40 मिनट नहीं होने वाली है, इसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1.5 घंटे में लगभग। हाँ, किसी किसी दिन हो सकता है कि 1 घंटे 15 मिनट ही हो तो ज्यादा मायने नहीं रखता है स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी किसी दिन हो सकता है ये क्लास बंद हो जाए टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से, कई बार हुआ भी है ना, तो ये अलग बात है। इन बातों को साइड करके अगर देखा जाए तो रेगुलर एक एवरेज का बात किया जा रहा है कि अब मैथ की जो वीडियोज होंगी वो लगभग 1.5 घंटे की होंगी। समझ में आ रहा है? सही सुन रहे हैं? 1.5 घंटे की एक मैथ्स की वीडियोज होंगी। अब आपको कुछ संयम बरतना होगा। अब जब एक वीडियो, एक क्लास अगर 1.5 घंटे की हो मैथ्स की, तो क्या आप समझ रहे हैं ये डबल नहीं हुआ क्या? डबल हो गया ना? तो हम लोग एक ही काम करने वाले हैं और यही हम लोगों का तरीका भी बचा हुआ है कि क्यों ना मैथ्स की क्लास को, फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक ठाक है, वो जितना टाइम में हो पाता है सेटअप वीडियो, दैट इज एनफ, वो सही है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर अच्छा से सोचा जाए तो कहीं ना कि फिजिक्स भी पीछे है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मैनेज हो जाएगा। अब आप ये कहें कि सर सबको एक ही साथ ले मैनेज करो, सबकी वीडियोस की ड्यूरेशन को बढ़ा दो, तो भाई इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम भी एक मशीन नहीं है, एक मैन है, एक जो भी है, एक सजीव प्राणी है जो यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, तो उतना ज्यादा आदमी थक जाता है, तो इसके वजह से हाँ करेंगे, लेकिन फिर मैथ्स को अपने रास्ते पे ला देंगे, फिर फिजिक्स को बढ़ा देंगे, देखेंगे कि जो हमें बैकअप हो रहा है, पीछे हो रहा है, उसको हम लोग ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे और बाकी चीज को थोड़ी थोड़ी घटा देंगे। यानी कि मैनेज करना होगा और यही प्लान होना भी चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या, जरा अच्छा से सोचिए कि अब हम लोग को पढ़ने का टाइमिंग बढ़ाना होगा, खासकर मैथ्स के लिए। मैथ्स का टाइमिंग अब 1.5 घंटे होंगी, समझ पा रहे हो ना, 1.5 घंटे लगभग। तो चलिए, तो हम लोग आज से ही इन चीजों को शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको अगले दिन से अप्लाई करेंगे, जी नहीं, ये हम लोग अभी से आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो काम शुरू करना होता है तुरंत करो, कल पे मत छोड़ो, कल करो उसे, आज करो, आज करो उसे तब। तो इन बातों को लेकर हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ लेक्चर था जिसको बताना जरूरी भी था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और 6.1 का थ्योरी पढ़ने के बाद जो जो क्वेश्चन हम बोलेंगे आप जरूर से जरूर उसको बनाइए, क्योंकि क्या होता है अगर मान लिया कि कोई क्वेश्चंस को हमने बताया, अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलेंगी सवाल में
या एक्सरसाइज में हम उसको बता देंगे कि आप भाई इन इन चीजों को कर लो और इन इन चीजों को आप कर लीजिएगा तो वो चीजें आपके लिए सस्ता हो जाएगा, सही मायने में समझ आ जाएगा और फिर हम लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे चीजों को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1 की थ्योरी की क्लास। अगर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी समझो एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट, बशर्ते आपका करने का हौसला होना चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए। तो यहाँ पे जो छठा चैप्टर है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ये छठा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक के अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अभी हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का थ्योरी वाला चैप्टर। अब थ्योरी में क्या है तो टॉपिक बनाकर इन चीजों को जरूर आप नोट कीजिए। हम यहाँ पे आपको चीजों को समझा दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें बोल रहा है, हमें उन चीजों को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो टॉपिक बनाया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज किसको कहेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मिलेंगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मिलेंगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को हमें कैसे सॉल्यूशन करना है जरा उन चीजों को देखिए। क्या लिखा हुआ है, लेट y is equal to fx represent the rate of change of y with respect to x is called rate of change of quantities and it is denoted by dy by dx। जरा इन चीजों पे गौर कीजिएगा, हमेशा y बराबर fx तो मिलेगा ना भाई, y बराबर fx मिलता है। तो हम इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y बराबर fx जहां कहीं भी आपको मिलेगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर कहीं भी लिखा मिल जाए, कैसा है भाई यहां पे लिख के दिखा रहा है जगह खाली है, y बराबर अगर मिल जाए 2x² + 4 तो हम इसको ये बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है, अगर y बराबर fx लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, यही कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y में चेंज करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में चेंज करना है यानी कि y को हमें बदलना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि अगर y का वैल्यू fx के इक्वल है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, यही कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एंड इट इज डिनोटेड बाय dy बाय dx। यानी कि प्यारे साथियों दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि अगर कहीं भी y बराबर कोई फंक्शन मिलेगा तो आप खुद समझ जाइएगा कि ये क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y यानी कि y बदल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, और हम इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और यही डिनोट्स करता है dy by dx। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉल्ड dy by dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, यानी कि y के चेंज करना होगा, y को चेंज करेंगे किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यही कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, जब हम किसी भी y के वैल्यू को चेंज करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तब इसी वैल्यू को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, इसी वैल्यू को हम लोग नाम दे देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, और हम लोग इसको डिनोट्स कर देते हैं dy by dx से। यानी मेरा मतलब ये हुआ कि जब हम लोग पहले डिफ्रेंसिएशन पढ़ते थे जिसका वैल्यू dy by dx होता था, ठीक है, वो dy by dx जो होता था अब वही क्या बदल के हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हो गया, है ना, तो कोई नया चीज नहीं है, नाम बदला है काम वही है, नाम बदला है, नाम क्या बदल के हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज,
और काम वही है dy by dx, differentiation of y with respect to x. तो काम वही है, सिर्फ नाम बदला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हुआ है. ठीक, चलिए अब जरा बात कर लेते हैं कि अगर कहीं सवाल आए कि डिनोट्स x बराबर a पर आपको कैसे डिनोट्स करना है, तो dy by dx उसका डिफ्रेंसिएशन करना है और x के जगह पे रख देना है. f डैश a भी बोल सकते हैं. देखिए f डैश a का मतलब क्या हुआ कि आप डिफ्रेंसिएशन करो एक बार और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद आप a का मान रख दो. यानी कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे, जरा एक एग्जांपल लेते हैं फिर आप समझ पाएंगे. जैसे हम समझाना ये चाह रहे हैं, इन चीजों को जरूर नोट कर लीजिएगा, है ना. हम समझाना चाह रहे हैं एग्जांपल में कि अगर मान लिया y बराबर रहता 4x³ 3 ऐसे रहता, तब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करते हैं? dy by dx निकालते हैं. dy by dx का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 × 3 = 12, x के पावर 3 है तो एक घट के 2 हो जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन कितना, 0, चूंकि ये कांस्टेंट है. तो हमें dy by dx इतना मिला. अगर यही सवाल बोलता कि y बराबर इतना है आपको निकालना है एट x बराबर 4, तो x बराबर 4 निकालना होता तब हम इसको कैसे डिनोट्स करते हैं? x बराबर 4 पे रहता तब इसको डिनोट्स करते ऐसे कि dy by dx और x बराबर कितना पे, 4 पे, तो नीचे लिखते x बराबर 4. अब यहां पे dy by dx का मान कितना आया था, तो 4 × 3 = 12, x के पावर 2 यही ना आया था और इसके जगह पे रखना है x बराबर 4. अब हमको x के जगह पे 12 × x के जगह पे कितना रखना है, 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 12 × 16, तो 72 और 12 192 आंसर हो जाएगा. ठीक है, 12 × 72 और 12 × 12, हाँ, तो इसको गुणा करते तो इतना आंसर. मेरा कहने का मतलब कि कोई भी y का वैल्यू fx में दिया रहेगा, अगर हमें x बराबर a पे डिफरेंशिएट करना होगा तो हम उसको डिनोट्स कैसे करेंगे, तो dy by dx और x बराबर जितना पर भी दिया है उसको डिनोट्स ऐसा करेंगे और फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग x का वैल्यू रख देंगे. अगर नहीं था तो हम लोग तो सीखे ही हैं कि f डैश भी होता है, f डैश भी होता है, तो आप इसको पहले f डैश x निकालते हैं. f डैश का मतलब क्या हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार अगर इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता, 4 × 12 × x² और 3 का क्या मतलब, 0, 3 का मतलब 0. तो इसलिए f डैश यहां पे x बराबर 4 पे था एट x बराबर 4, तो यहां पे आप f डैश x की जगह पे 4 कर देते, जहां जहां x था वहां पे हम लोग 4 रख देते, तो यहां भी हो जाता. मेरा मतलब ये है साथियों कि अगर कोई fx का वैल्यू दिया रहेगा, y बराबर दिया रहेगा, तो आप उसको dy by dx निकालिए और उसके जगह पे जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट कर दीजिए. हम मेरा कहने का मतलब ये है कि y का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा, अगर एट x बराबर 4 है तो उसको हम लोग ऐसे भी सूचित कर सकते हैं dy by dx x बराबर 4. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. चलिए तो हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अगर कैसा सवाल बोलेगा तो हम लोगों को कैसा काम करना होगा. ठीक है, तो उन सारी एग्जांपल्स को हम लोग अभी देखते हैं कि अगर हमें सवाल कैसा बोलेगा तो हमें सवाल काम कैसे करना होगा. चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं. चलिए तो कुछ एग्जांपल कुछ इस तरीके से है. पहला एग्जांपल ये दिखा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतलब आप समझेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको हम लोग लिखेंगे dy / dt. समझ रहे हैं आप,
हम एक लैंग्वेज के फॉर्म में ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको किस तरह का क्वेश्चन बोलेगा तो आपको क्या काम करना होगा। अगर आपको बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां लिखते हैं डीवाई बटा डी एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब विथ, आर मैंने रिस्पेक्ट और टी मैंने टू, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको लिखेंगे डीवाई बटा डी टी, पक्का। लेकिन अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस एट एस बराबर फोर। अगर ऐसा सवाल रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस एट कितना पे, एस बराबर फोर पे, तो एस बराबर फोर पे अगर हमें ऐसा कुछ लिखने के लिए बोले तो कैसा इसको डिनोट्स करेंगे, जरा देखिए इसको जो डिनोट्स करने का तरीका होगा इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहां से पढ़िए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, तो डीपी किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एस डी एस, एस बराबर कितना फोर, तो इसको ऐसे करके एस बराबर लिखना होगा फोर। यानी कि हम डिनोट्स करने का एक तरीका सिखा रहे हैं कि किसके रिस्पेक्ट में अगर चेंज बोलेगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लिया कि ऐसा कुछ बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स बराबर जीरो। तो आप पढ़िए सवाल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इतना की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स बराबर जीरो, तो एट एक्स बराबर जीरो बोल रहा है तो इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट एक तरफ देकर और जीरो लिख देंगे। यानी कि हम इस एग्जाम्पल में ये सीख रहे थे कि अगर कुछ क्वेश्चन में लैंग्वेज में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहे तो हम लोग ऐसा कुछ उसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर वो बड़ा लैंग्वेज देगा तो हम लोग बिल्कुल छोटे में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम लोगों को तो ये समझ में आ गया एग्जाम्पल के तौर पे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम उसको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे लेकिन उसके पहले कुछ इंपोर्टेंट चीज हम लोगों को समझना होगा। तो चलिए अब की बार हम लोग सीखेंगे उसके नीचे, अभी थ्योरी ही चल रहा है, थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो थ्योरी ही अभी चल रहा है 6.1 का, क्या है, सिग्निफिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। सिग्निफिकेशन का मतलब होता है साइन, प्लस या माइनस दो ही ना साइन होता है, साइन का मतलब चिन्ह, धनात्मक या ऋणात्मक उसको हिंदी में बोले तो वही हम लोग सीख रहे हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या सिग्निफिकेशन होता है। सिग्निफिकेशन का मतलब होता है साइन, चिन्ह, कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ठीक है, किसके लिए, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कोई भी फंक्शन के लिए y बराबर fx के लिए, यानी कि कोई भी फंक्शन हो सकता है, अब ये y बराबर फंक्शन है इसके लिए अगर हमें बोलेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो देखिए अगर सवाल में बोलेगा इंक्रीजिंग तो हमें डिफ्रेंसिएशन का जो वैल्यू लेना है वो प्लस में लेना है, समझ पा रहे हैं। अगर सवाल में बोला कि ये चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम उसको सवाल में डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू किस में यूज करेंगे, माइनस में यूज करेंगे। यानी कि मेरा समझाने का मतलब ये है कि कोई भी अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग लगाव मिल जाए, आप याद रखिएगा कि dy बाय dx का वैल्यू के आगे प्लस देना है, ठीक है। और कोई भी अगर डिफ्रेंसिएशन दिखे या सवाल में दिखे डिक्रीजिंग फंक्शन, तब हम लोगों को वहां पे यूज क्या करना होगा, माइनस में यूज करना होगा। यानी कि साइन जो होता है वो किसके लिए प्लस होता है और किसके लिए माइनस होता है, तो याद रखिएगा इंक्रीजिंग के लिए प्लस और डिक्रीजिंग के लिए माइनस होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और इन चीजों को सीख लेते हैं
फिर हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे, तो ज्यादा हड़बड़ में हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि जो चीजें हैं पहले हम लोगों को उसके बारे में जानना जरूरी होता है, तो हम लोग उसके पहले जानेंगे उसके बारे में, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद कुछ हम लोग फार्मूला को इकट्ठा कर लेते हैं, वैसा फार्मूला जो हम लोगों को इस एक्सरसाइज 6.1 में काम आने वाला है। हालांकि आप 9th या 10th में इन चीजों को गहन अध्ययन किया होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, सबके बारे में पढ़ा होगा। हालांकि आप भूल गए होंगे तो उन चीजों का हम लोग यहाँ पे फार्मूला के तौर पे एक फार्मूला करके एक हम आपको सब बात नोट करवा देते हैं ताकि एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए फार्मूला को नोट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला हमें काम आने वाला है। तो देख पा रहे होंगे ये सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ मेंसुरेशन, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आप इन चीजों का जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन फार्मूला को याद नहीं कर पाएंगे तो आपका ये एक्सरसाइज बहुत कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सभी फार्मूला आप पहले क्लास में 10th क्लास में आप अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। आप 10th क्लास के क्षेत्रमिति चैप्टर, जिसको अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं, तो क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में इन सारी फार्मूला को पढ़ा होगा। चलिए उन्हीं सारी फार्मूला को हम लोग रिवाइज कराते हैं और आप इन चीजों को, चूंकि अंग्रेजी मीडियम, हम लोग इंग्लिश मीडियम में मैथ्स को पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ मीडियम माध्यम सिर्फ अंग्रेजी हुआ है, फार्मूला सब कुछ वही है, क्योंकि मैथ अंग्रेजी हिंदी नहीं होता है, उसका लैंग्वेज होता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का मतलब घन, घन के सभी क्षेत्रफल यानी कि घन का पूर्ण क्षेत्रफल, 6 × भुजा² होता है, तो यहां भुजा के जगह पे x लिया गया है, समझ पा रहे होंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, हम लोग 10th में पढ़ते थे। अब वहां पे a क्या था, तो भुजा था, ठीक है, 6 × भुजा² हिंदी में बोले तो घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6x² यहां यूज किए हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम में ही याद कर लीजिएगा, याद करने का भी जुनून होना चाहिए। क्या जुनून होना चाहिए, आप अगर अपने अकेले हो तो एक बार चीजों को पढ़ लो और फिर बंद करके कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये सब सारा खुद से याद कर लो। नहीं तो घर में कोई पढ़ने वाला है, जूनियर सीनियर भाई बहन है जो अंग्रेजी पढ़ सकता है, उनसे आप क्वेश्चन पूछवा लो कि देखें उनको कितना याद है। तो ये सब पढ़ने का ना थोड़ा थोड़ा तरीका अपनाना चाहिए आप लोग को। खैर, पहला समझ में आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का मतलब क्या, घन, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6x² होता है, यानी कि 6 × भुजा² है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू होता है ना, ए क्यू, तो यहां एक जगह पे एक्स रखा गया है, ऐसा माना गया कि घन का भुजा क्या है, एक्स, इसीलिए हम लोग हिंदी में पढ़े हुए हैं वहां पे कि घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर एक्स क्यूब। अगला क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब आयत और पेरीमीटर का मतलब परिमिति, तो आयत का परिमिति क्या, 2 × लंबाई + चौड़ाई, यही ना हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और इन चीजों का बहुत बहुत आपको याद करने का जरूरत है, क्योंकि इन फार्मूला को आप याद नहीं करेंगे आपको कभी नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। याद कर लीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई होता है। अगला पढ़ते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब एरिया मने क्षेत्रफल, रेक्टेंगल मने आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब L × B, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं,
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। क्या होता है? परिधि। किसका परिधि भाई? तो सर्किल का। सर्किल का मतलब होता है ब्रीथ, जानते हैं ना हिंदी में। देखिए आपको हम हिंदी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी साथी हैं, वो सभी हिंदी मीडियम से ही आए हैं हमारे पास, तो उनको चूंकि अगर हिंदी नहीं बताएंगे तो उनको ये नई चीजें लगेंगी। हालांकि ये नई चीजें नहीं है, ये पुरानी चीजें हैं, बस अर्थ मीडियम बदल गई, इंग्लिश हो गई। ठीक है, तो यहां पे हम देख पा रहे होंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस का मतलब परिधि। किसका? सर्किल का, मतलब ब्रीथ का। तो ब्रीथ का परिधि तो याद होगा 2πr होता है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला फार्मूला क्या है? अगला फार्मूला है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया मतलब क्षेत्रफल, सर्किल माने ब्रीथ। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल याद है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वही लिखा गया है अंग्रेजी में एरिया ऑफ सर्किल, मतलब पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। फिर है वॉल्यूम ऑफ अस्फेयर। वॉल्यूम मतलब आयतन। किसका भाई? तो अस्फेयर का। अस्फेयर मतलब गोला। तो गोले का आयतन का फार्मूला कितना होता है? 4/3 पाई आर का क्यू। याद रहेगा वॉल्यूम ऑफ अस्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम मतलब आयतन, कोन का मतलब शंकु। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इन जो आठ फार्मूला लिखे हुए हैं, ये आठ फार्मूला बहुत बेहद इंपोर्टेंट है, जो आपके एक्सरसाइज 6.1 में काम आने वाला है। तो इन चीजों को जरूर से जरूर आपको याद कर लेने की आवश्यकता है अंततः, या फिर इसके बाद अगर नहीं याद करते आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और फिर आपको उन चीजों को समझ में आएगा कि हमने इस क्वेश्चन में डिफ्रेंसिएशन का यूज कैसे करना है या फिर उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इन चीजों के बारे में हम लोगों को कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक उदाहरण के तरफ। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इस एक्सरसाइज में हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, उसका मीनिंग समझेंगे कि आखिर वो चीजें क्या है और उन चीजों को हमें कैसे सॉल्व करने की जरूरत है। चलिए जैसे कि आप क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, पहला कब? जब रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, और दूसरा कब? जब रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझने का जरूरत है कि जहां भी प्यारे स्टूडेंट्स अगर एरिया बोलेगा वहां पे हम लोग कैपिटल ए से सूचित करेंगे, जहां भी रेडियस बोलेगा वहां आर से सूचित करेंगे। समझ पा रहे हैं आप क्या हम बोल रहे हैं? अगर एरिया बोलेगा उसको ए से, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? एरिया का स्पेलिंग क्या होता है? ए आर ई ए, एरिया माने क्षेत्रफल। तो एरिया का जो स्पेलिंग होता है ए से होता है, इसलिए एरिया को हम लोग डिनोट करेंगे सिर्फ ए से, कैपिटल ए से। और रेडियस का फर्स्ट लेटर आर होता है, इसलिए हम लोग उसको सूचित करेंगे आर से। समझ पा रहे? वॉल्यूम का स्पेलिंग होता है भी से, इसलिए उसको डिनोट करेंगे भी से। समझना रहे? अब डिनोट्स क्यों करेंगे? इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि अगर डिनोट्स करेंगे तो आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, उन चीजों को आप थोड़ी जगहों में लिख देंगे। जैसे यहां पे क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। तो यहां पे सबसे पहले मानिए कि एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल बोल रहे हैं ना, एरिया ऑफ सर्किल बोल रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल को खाली हम लोग ए बोल सकते हैं, यानी आपको मानना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सर्किल को हम लोग किससे सूचित किए हैं? ए से। और ए का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भाई अभी ना पढ़े, देखिए हर चीज का एक ना एक यूज होता है, और हम लोग जो पढ़ते हैं ना उसका पक्का यूज होने वाला होता है, क्योंकि फालतू का हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे
क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब, रेट ऑफ चेंज का मतलब बाद में हम लोग सीखेंगे, रेट ऑफ चेंज जो है उसका बाद में मीनिंग समझेंगे, पहले एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल को हम लोग किससे सूचित किए, ए से, और ए का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे रेडियस को, रेडियस को भी हम लोग आर मान लेंगे, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग क्या, अब सवाल पढ़िए क्या लिख रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि सवाल क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि यही चीज निकालना है ना भाई, यानी कि सवाल से आप पढ़िए तो यही चीज निकालना है, डीए बटा डीआर निकालना है। कब, जब पहला सवाल में आर के जगह पे 3 सेंटीमीटर है और दूसरा सवाल में आर के जगह पे 4 सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज समझना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो हम उसको लिखेंगे कैसे, जैसे कि अभी अभी हम लोग थ्योरी में सीखे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेगा तो dy बटा dx लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस अगर बोलेगा तो हम लोग उसको dp बटा ds लिखेंगे। समझ में आ रही है? उसी तरीके से प्यारे साथियों यहां पे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो इसीलिए हम डीए बटा डी आर कर दिए। अब उसके बाद लिखिएगा नाउ डी ए बटा डी आर बराबर, तो डी ए का मान कितना है, एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर बटा में डी आर, ठीक है। अब यहां पे तो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े हैं कि पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है ना है भाई, पाई एक कांस्टेंट है, जानते हैं उसका वैल्यू 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है ना, तो पाई एक कांस्टेंट है, तो पाई को हम लोग कहां करेंगे, बाहर। तो पाई को जैसे ही बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, डी आर स्क्वायर बटा में डी टी, सॉरी डी टी नहीं, ये गलती डी आर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया हुआ है सवाल में, इसलिए नीचे लिखेंगे क्या, डी आर। अब हम लोग जानते हैं ना पाई का तो पाई रहेगा, अब आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो पावर में 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, और आर के पावर में जो 2 है ना डिफरेंशिएशन में, तो एक पावर में घट जाता है, तो 2 × r^1 लिखें या फिर ऐसे ही छोड़ दें। अब आपका इसका मान तो निकल गया, ठीक है, डी ए बटा डी आर का मान निकल गया, लेकिन पहला और दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि अब जो है आर का वैल्यू आप 3 सेंटीमीटर रखिए, और दूसरा बोल रहा है कि आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर रखिए। तो अब हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे जरा देखिए। अब यहां तक करने के बाद, चूंकि मेरे पास जगह नहीं है, मिटा रहे हैं, अब लिखिएगा वेन, पहला सवाल में लिखिएगा वेन आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसलिए डी ए बटा डी आर आर बराबर 3 लिखने के लिए सिखाया है ना, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है डी ए बटा डी आर का मान जो आया है उसके जगह पे आर का मान 3 रख रहे हैं, तो π × 2 × r, आर की जगह पे कितना 3, तो 3×2 = 6π आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के जैसा अब हम लोग दूसरा सवाल भी ला सकते हैं, तो दूसरा का आंसर क्या, वेन आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा, अच्छा सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, तो ये अपने से भी सोच सकते हैं 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या होगा, डी ए बटा डी आर का मान जो होगा वो कितना, तो ये आर के जगह पे, सॉरी आर के जगह पे यहां 4 सेंटीमीटर रखेंगे, तो यहां हो जाएगा π × 2 × 4, यानी कि 8π cm² का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों का आंसर आता है। तो
तो अब जरा आपको हम एक वर्क्स देते हैं करने के लिए। कौन कौन सा वर्क्स अभी करना है, जो जो हम वर्क्स बोलेंगे वो वर्क्स आपको कंप्लीटली करते रहना है, ठीक है। तो अब आप क्या निकालिएगा, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 6.1 निकालिएगा, ठीक है। और 1 निकालने के साथ साथ आपको जो क्वेश्चन नंबर करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 करना है एंड 17 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 17 क्यों दे रहे हैं, तो भाई हम चुन चुन कर वही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए जो आपसे बन सकता है, ठीक है, जो आपसे बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 17 बनाना है। 17 एक ऑप्शनल वाला है, इसका ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन ए बी सी डी। तो आप जब बनाइएगा तो उसमें देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे हम लोगों का आंसर ये आया है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन जो ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से आपको जो बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 17 बनाना है, ठीक है। वैसे ही हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं समझिए कि सर एक मतलब ये है कि 6.1 में टोटल 18 क्वेश्चन है तो आप 2 क्वेश्चन बनवाइएगा तो खत्म। अरे भाई धोखाधड़ी वाला मामला मेरे साथ नहीं, हम टू दी पॉइंट काम करते हैं। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन नंबर 17 ही बनेगा यार, पीछे नहीं बनेगा भाई, ठीक है, आप बात मानो मेरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 17 करना है। चलिए फिर अभी भी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, आपको लग रहा होगा कि बहुत देर तक पढ़ा है सर, खत्म ही नहीं हो रहा जल्दी, तो नहीं ऐसा नहीं है, अभी और थ्योरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या थ्योरी में है। तो देख पा रहे होंगे अगला जो टॉपिक है हम लोग अब सीखने वाले हैं, ये भी थ्योरी ही है 6.1 का, और ये थ्योरी का एंड पॉइंट है, इसके बाद थ्योरी नहीं है, ठीक है, इसके बाद थ्योरी नहीं है। अब हम लोगों का यही लास्ट थ्योरी है, ये खत्म हो गया है। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एमसी और एमआर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एमसी का मतलब क्या होता है, एमसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और एमआर का मतलब होता है मार्जिनल रिवेन्यू, रिवेन्यू। अब कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, किसी चीज को आप खरीदने जाते हैं तो उसका कीमत पूछते हैं ना भाई कि इसका कीमत कितना है, आप मुझे इसे कितना में दोगे, ठीक है, वो हो गया मार्जिनल कॉस्ट। और रिवेन्यू का मतलब होता है छूट, अगर मान लिया कि कोई सामान आप खरीदते हो, हम बोलेंगे भाई ये 100 रुपए की है, आप बोलते हो कि सर इसमें रिवेन्यू कितने के देंगे आप, रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब कितने रुपए की छूट देंगे इस पर, 2 रुपए 3 रुपए, तो जो छूट प्राप्त होती है वो कहलाता है मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है उसकी कीमत, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो एमसी और एमआर के बारे में पढ़ेंगे। एमसी का मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ, एमसी का मतलब हुआ मार्जिनल कॉस्ट, और एमआर का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। अब हम किसको मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे और किसको मार्जिनल रिवेन्यू बोलेंगे, ये भी समझ में आया। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब उसकी कीमत, और मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब उसमें छूट की रकम, छूट की धन, यानी कि कुछ छूट प्राप्त करते हैं, वो हो गया मार्जिनल रिवेन्यू। अब जरा इसमें जो बात लिखे हैं लेट कुछ माने हैं, जैसे कि अभी हम लोग एफएक्स बोलते थे ना, एफएक्स एक फंक्शन होता है, वैसे ही एक सीएक्स होता है। सीएक्स का मतलब क्या हुआ, टोटल कॉस्ट रुपया में, यानी कि रुपया में उसका टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कीमत कितना है। और जहां आरएक्स रहेगा तो आरएक्स का मतलब टोटल रिवेन्यू इन रुपीज, यानी कि कुल छूट रुपया में, कि 2 रुपए की छूट है, 8 रुपए की छूट है, आप ऑफर में नहीं लेने जाते हैं तो आपको लिखा रहता है इतना प्रतिशत की छूट, 100 रुपीज की छूट, है ना, तो वो रिवेन्यू कहलाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा रिवेन्यू को आर से सूचित किया गया है, कॉस्ट को सी से सूचित किया गया है, तो सीएक्स दिया रहेगा तो आप क्या समझिएगा, टोटल कॉस्ट इन रुपीज है, और आरएक्स का वैल्यू अगर दिया है तो टोटल रिवेन्यू इन रुपीज है, यानी कि सीएक्स का वैल्यू और आरएक्स का वैल्यू सवाल में दिया रहेगा
और आपको एमसी या एमआर का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो याद रखिएगा, अगर सीएक्स का वैल्यू सवाल में दिया है तो आपको एमसी निकालना है, सी का सीएक्स का मान दिया है तो आपको क्या निकालना है, एमसी। एमसी का फॉर्मूला क्या है कि सीधा जो सीएक्स का मान है उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, यानी कि जो सीएक्स का वैल्यू दिया रहेगा उसको आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो एमसी निकल जाएगा। अगर आरएक्स का वैल्यू दिया रहेगा उस आरएक्स के वैल्यू को भी डिफ्रेंशिएट कर दें। देखिए यहां पे डिफ्रेंशिएशन क्या है ना, डी सीएक्स बटा डीएक्स, यानी कि सीएक्स का वैल्यू को अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो एमसी निकल जाएगा, और आरएक्स के वैल्यू को आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो वो एमआर निकल जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू निकल जाएगा। कुल मिलाकर हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई भी सवाल में अगर आपको सीएक्स का वैल्यू दे या आरएक्स का वैल्यू दे, दोनों में से किसी का भी वैल्यू दे सकता है, अगर सीएक्स का वैल्यू देगा तो आप एमसी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कैसे, तो सीएक्स का डिफ्रेंशिएशन करके। अगर आरएक्स का वैल्यू दिया रहेगा तो आरएक्स के डिफ्रेंशिएशन करके आप एमआर का वैल्यू निकाल दीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एमसी और एमआर बहुत इजी टॉपिक्स है, आप इन चीजों को बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में एक क्वेश्चन करते हैं, जरा आप इन चीजों को देखिएगा कि हम कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल में देखिएगा एक क्वेश्चन, एग्जांपल में क्वेश्चन है इफ आर एक्स इक्वल टू, जस्ट मिनट क्वेश्चन देखने दीजिए, हाँ, आर एक्स इज इक्वल टू, If Rx is equal to 13x square plus 26x plus 15, then find marginal revenue at x बराबर 7, at x बराबर 7। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में क्या बोला कि आरएक्स का वैल्यू दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है भाई, कब, एक्स बराबर 7 पे। यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन करके, तो गिवेन है, क्या गिवेन है, आरएक्स का वैल्यू कितना, 13x स्क्वायर 26x प्लस 15, और हमें क्या निकालना है, मार्जिनल रिवेन्यू, तो एम आर का वैल्यू निकालना है कितना पे, तो एट एक्स बराबर 7 निकालना है। तो हम यहां पे लिखेंगे इसलिए एम आर का वैल्यू, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है ना, तो एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन कर दो आर एक्स का, यही ना होता है, एम आर का फॉर्मूला तो अभी पढ़े ना कि आर एक्स का वैल्यू को डिफरेंशिएशन कर दो, तो आर एक्स का वैल्यू यहां क्या है, डी 13x स्क्वायर 26x प्लस 15 बटा में dx। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, जरा हम शॉर्ट में कर लेते हैं, 13 दूना 26x डायरेक्ट हम कर ले रहे हैं मन में, आप अगर इसको करना चाहें तो अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो आपको आइडिया दिए हुए हैं कि अगर डिफ्रेंशिएशन प्लस माइनस में रहे तो आप इसको बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो यहां पर तोड़ कर बनाइएगा, प्लस 26x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 26, क्योंकि 15 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो हमें एमआर का वैल्यू इतना आया, लेकिन x के जगह पे कितना रखना है 7, इसलिए आप लिखिएगा नाउ एट x बराबर 7, इसलिए 26 गुना x के जगह पे 7 प्लस में 26 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आएगा हमें आंसर मिल जाएगा। अब इन चीजों को समझ गए होंगे तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का टोटल थ्योरी खत्म कर लिए हैं, टोटल थ्योरी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब टोटल थ्योरी पढ़ लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है, हम जरूर आपको हिंट्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से हम दावे करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा खाली हिंट्स कर देंगे आपको समझा कर, तो आप उन चीजों को बना सकते हैं, लेकिन कब, जब आप उन चीजों को याद कर रहे होंगे, याद कर लिए होंगे वो सब फार्मूला जो हम ऑलरेडी आपको अभी अभी लिखवाए हैं इस थ्योरी में, ठीक है। तो अब जरा एक और वक्स देते हैं,
आप एक्सरसाइज 6.1 पलटिएगा, 15, 16 और 18 नंबर बनाइएगा, यानी कि आपको हम टोटल मिलाकर एक्सरसाइज 6.1 में कुल मिलाकर जो होमवर्क दिए हैं वो कौन कौन सा दिए हैं, टोटल 18 क्वेश्चन है, टोटल 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन में हम आपको कौन कौन सा बोले बनाने के लिए, भाई तुम एक बना लेना, फिर बना लेना 15, फिर बना लेना 16, फिर बना लेना 17, फिर बना लेना 18। मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि आप इन 5 क्वेश्चंस को आप बना लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम एक नंबर 15, 16, 17, 18 ये 5 क्वेश्चंस आज के होमवर्क्स में आपको दे रहे हैं। और बेहिचक जब हम आपके लिए 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए वीडियोज शूट कर रहे हैं तो आप 1.5 घंटे के बजाय 3 घंटे क्यों नहीं पढ़ेंगे, मेरा इस सवाल का जवाब चाहिए। इसलिए हरेक क्वेश्चंस का हमें सॉल्यूशन आना चाहिए हरेक स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो 1, 15, 16, 17, 18 ये 5 क्वेश्चंस आपको आज के वक्त में है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर बनाइए। इसी आशा के साथ आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले क्लास में, और उस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ हिंट्स करेंगे। आपको बनाना होगा, आपको करना होगा, सब कुछ आंसर आपको लाना होगा, ठीक है। तो इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं आशा के साथ आज की क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।